नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका देसी हेल्थ उपाय चैनल में। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है उन लोगों के लिए देखना जो कोरोना से रिकवर हो गए हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को बहुत सी जानकारियां नहीं होती है, जिसके कारण हम किसी अन्य हमारे साथी को इन्फेक्टेड कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, थाईलैंड में एक रिसर्च हुआ जहाँ पर स्टडी में सामने आया कि कोरोना वायरस से ठीक हुए इंसान के वीर्य में कम से कम 30 दिनों तक कोरोना वायरस रह सकता है, और यदि वे अपने साथी के साथ आते हैं तो अपने साथी को भी इन्फेक्टेड कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसे ही एक स्टडी चाइना में भी की गई, जहाँ पर करीब 38 लोगों को जो कोरोना पॉजिटिव थे, 38 लोगों पर रिसर्च की गई, जिनमें से 23 लोग निगेटिव आ गए कोरोना से। उसके बाद जब उनके वीर्य की जांच की गई तो उनमें से करीब 6 लोगों के स्पर्म में कोरोना वायरस पाया गया। दोस्तों, ऐसे समय में जब बिना प्रोटेक्शन के हम हमारे साथी से संबंध बनाते हैं तो बहुत हद तक यह संभावना रहती है कि हमारे द्वारा वह वायरस हमारे साथी के शरीर में प्रवेश कर जाए और वह इन्फेक्टेड हो जाए। तो दोस्तों, जब भी आप यदि ऐसा कुछ करना चाहें तो अपने साथी की सुरक्षा के लिए प्रोटेक्शन का यूज जरूर करिए। हो सकता है दोस्तों यह जानकारी आपके काम की ना हो, पर जो हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास इस तरीके की जानकारी पहुँचते नहीं है, उन लोगों में यह वीडियो ज़रूर शेयर करिए। भले ही लाइक मत करिए, मुझे कोई आशा नहीं है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, लेकिन जितना हो सके शेयर ज़रूर करिए ताकि वे अपने द्वारा अपनों को संक्रमित न कर सकें।